Good morning, students. Today we will start exercise 3.3 of chapter 3, playing with numbers. So exercise 3.3 start करने से पहले हम एक topic है जिसका नाम है divisibility test. इस topic को समझेंगे. क्योंकि बिना इस topic को समझे हुए हम exercise 3.3 नहीं कर सकते हैं. जो भी questions हमें exercise 3.3 में given हैं, वो इस topic पर based हैं. तो जब तक हमें टॉपिक समझ में नहीं आएगा हम एक्सरसाइज 3.3 नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट किसको कहते हैं. अ डिविजिबिलिटी रूल इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अ फिक्स्ड डिवीजर विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन यूजुअली बाय एग्जामिनिंग इट्स डिजिट. क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? डिविजिबिलिटी रूल एक मेथड है जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि जो भी नंबर हमें गिवन है क्या वो नंबर डिविजिबल है उस फिक्स्ड डिविजर से जो हमें गिवन है. ठीक है, और ये हम कैसे चेक करेंगे? विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन. हम उसमें डिविजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उनके डिजिट्स को एग्जामिन करेंगे. उनके डिजिट्स को एग्जामिन करते हुए ये फाइंड आउट करेंगे कि जो भी नंबर हमें गिवन है क्या वो डिविजिबल है क्या उस फिक्स्ड डिविजर से. इसके लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स हैं. किस किस के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है? 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए है, 9 के लिए, 10 के लिए और 11 तक के लिए. तो हमारे पास 2 से लेके 11 तक के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स हैं. तो हम एक एक के डिविजिबिलिटी रूल को स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या वो नंबर 3 से डिविजिबल है, वो 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 7, 8, 9, 10, 11 से डिविजिबल है. विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन मेथड हम डिविजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे और सिर्फ उनके डिजिट को एग्जामिन करते हुए ये फाइंड आउट करेंगे कि वो नंबर इन नंबरों में से किससे डिविजिबल है क्योंकि हमारे पास इनके ही डिविजिबिलिटी रूल्स हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? 2 के लिए. नाउ अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे एक एक नंबर पर. तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे 2 के लिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 कि हमें अगर चेक करना हो कि जो भी हमारे पास गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि हमें डिविजन मेथड तो अप्लाई करना नहीं है. डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम सिर्फ डिजिट्स को एग्जामिन करके ही फाइंड आउट करेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं. तो कैसे करेंगे? देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के लिए क्या होता है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट मतलब 1 के प्लेस पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, लास्ट डिजिट पर अगर 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. मैंने क्या कहा, अगर किसी नंबर की 1 की प्लेस पर मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर हमने लिया 12, 12 में जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 2, तो जो अगर लास्ट डिजिट पर 2 आ गया दैट मीन्स नंबर 2 से डिविजिबल है. उसी तरह से 2, 7, 8 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 8, तो हमने कहा था 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. तो इसमें लास्ट डिजिट 8 आई है दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है. उसके बाद में 7, 8 में लास्ट डिजिट है 2, तो अगेन 7, 8 में लास्ट डिजिट है क्या है, 8 है, तो दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है. और फिर लास्ट नंबर है हमारा 5, 7, 6, 2, उसमें लास्ट डिजिट है 2, तो वो भी हमारी क्या है, 2 से डिविजिबल है. तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है. तो डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो 2 के लिए तो उस नंबर की लास्ट डिजिट चेक करेंगे. अगर लास्ट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है. सेकेंड है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3. अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 3 के लिए कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं तो हमें जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट्स का सम कर दो. ठीक है, उनके जब डिजिट्स का हम सम करेंगे और जो सम आएगा उसका तो हम सम को चेक करेंगे कि क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर दे रखा है 123. अब 123 3 से डिविजिबल है या नहीं इसको चेक करने का तरीका ये है कि सारे डिजिट्स को प्लस कर दो. 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6. तो 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ऑफकोर्स है. तो दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर है 123 ये भी डिविजिबल है हमारे 3 से. उसी तरह से हम
3 से डिविजिबल है। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, देखेंगे 4 के लिए कि 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन नंबर है हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर हमें चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो जो भी नंबर हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर गिवन है 1396, तो उस नंबर की हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट, मतलब 1 के और 10 के प्लेस देखेंगे। तो अगर 1 के और 10 के प्लेस, मतलब उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर भी जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है 1396, इसकी लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 9 और 6, तो 9 और 6 दोनों ही जो है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो दैट मीन्स 1396 ही पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। सेकेंड नंबर है हमारे पास 212। 212 की हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट है 12, तो 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो दैट मीन 212 भी पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। फिर हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5, कि 5 से अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में हम उसकी लास्ट डिजिट, मतलब 1 की जो प्लेस है उसको देखेंगे। 1 के प्लेस पर जो डिजिट है अगर वो 5 हो या 0 हो, या तो वो 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 75, हमने एक नंबर लिया 75 में जो लास्ट के डिजिट है जो 1 की प्लेस पर है वो है 5। हमने बोला या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 या 0 में से अगर दोनों में से कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है लास्ट पर, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट पर है 5, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। उसी तरह से 90 के लास्ट से डिजिट है 0, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। 100 में लास्ट डिजिट है 0, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। और 125 में लास्ट डिजिट है 5, तो दैट मीन्स ये नंबर भी हमारा 5 से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। अगर हमें चेक करना हो कि गिवन नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. अगर number 2 और 3 दोनों से divisible होगा, तो वो number 6 से भी divisible होगा। For example, हमने एक number लिया 36। सबसे पहले हम देखेंगे कि number 2 से divisible है या नहीं। तो 2 से इसकी divisibility check कर रहे हैं। तो last की digit है इसकी 6, और हमने पढ़ा था divisibility test में 2 के कि अगर last digit 0, 2, 4, 6, 8 आती है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो दैट मीन्स ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद हम 3 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी डिजिट दे रखे होते हैं उसका सम कर दो। तो 3+6 कितना होता है? 3+6 होता है हमारे पास 9। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है ये भी हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। हमने कहा कि अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर अपने आप ही 6 से भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स वो नंबर जो होगा वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो कंडीशन क्या है कि अगर जो भी हमने नंबर की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 के लिए, तो वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये केस बनता है कि अब सिर्फ वो 2 से ही डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में वो डिविजिबल 6 से भी नहीं होगा। इसलिए दोनों से वो डिविजिबल होगा। जब वो 2 से भी डिविजिबल होगा, जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तभी उस केस में हम कहेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है। नाउ अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है हमारे पास? कि जो भी नंबर हमें गिवन है उसमें हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट दे रखा होगा, जो लास्ट डिजिट दे रखा होगा उसको डबल कर देना है, और बाकी का जो नंबर बचा हुआ है उसमें से माइनस कर देना है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर दे रखा है 826, तो हमें चेक करना है कि 826 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 6। 6 का डबल क्या होगा? 6 का डबल होगा 12। 6 का डबल क्या होगा? 12। तो हमको लास्ट डिजिट डबल कर देनी है, और जो आगे नंबर बचा हुआ है, आगे क्या बचा हुआ, 82, तो 82 में से माइनस कर देंगे अब हम 12। जो नंबर हमने डबल किया है, डबल करके जो आंसर आया है उसको हम माइनस कर देंगे, जो नंबर हमारा
तो अगर हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट वाले नंबर का डबल कर दो और जो नंबर रिमेनिंग थे उसमें से माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसको चेक कर लो कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। फिर आती है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। 8 चेक करने के लिए कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट देखो। जो भी नंबर हमें दे रखा हो उसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट है 512, तो जो 512 है वो 8 से डिविजिबल है। हमको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करने हैं। जो 512 है वो 8 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो जब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 8 से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे उसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी फॉर 9 कि 9 से अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में क्या करते हैं। देखो, जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए पढ़ा था वही का वही 9 के लिए है। इसमें हम जो डिजिट्स होंगे उनका सम करेंगे और जो हमारे पास सम आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है 126, तो इसमें हम डिजिट्स का जो है सम करेंगे, तो 1 + 2 + 6 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो दैट मींस ये जो नंबर है ये भी हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसके डिजिट्स का हम सम कर देंगे। जैसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं 3 के लिए, वही डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करेंगे 9 के लिए। फिर हमारे पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10 कि अगर हमें कुछ चेक करना हो कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर उसके लास्ट डिजिट 0 दे रखी है। अगर उसके लास्ट डिजिट 0 है तो दैट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे 10, 20, 30, 40, 100 सब में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है, और सारे के सारे जो नंबर हैं किससे हैं, 10 से डिविजिबल है। तो जब भी हमें 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11। अब हम चेक करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस ऑफ अ नंबर। इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और 1 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर हमने कोई नंबर लिया जैसे 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 एक नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसकी जो ऑड प्लेसेस है, जो डिजिट हैं जो ऑड प्लेसेस पर हैं उनका सम करेंगे और जो डिजिट इवन प्लेसेस पर है उनका सम करेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे किस किस का, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अगर उनका डिफरेंस माइनस करने पर 0 आता है या 11 आता है, तो उस केस में वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे हमें नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, तो सबसे पहले हम जो डिजिट ऑड प्लेसेस पर है उनका सम करेंगे। तो ऑड प्लेसेस पर कौन कौन से डिजिट्स हैं, 1, 3, 3, ठीक है, और लास्ट में क्या है, 1, तो 1, 3, 3, 1 जो है वो हमारी ऑड प्लेसेस पर है, तो इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। उसी तरह से इवन प्लेसेस पर कौन कौन से डिजिट हैं, 2, 4, 2, तो 2 + 4 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 8। तो 8 में से 8 को माइनस करो तो कितना आ गया हमारे पास, 0। तो हमने कहा कि अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 आता है तो उस केस में वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो दैट मीन्स जो नंबर हमें गिवन है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट टॉपिक जिस पर हमने डिविजिबिलिटी चेक करी 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8, 9, 10 एंड 11 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जो कि हमारी इस टॉपिक पर बेस्ड है और हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी हर एक नंबर पर।